हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अगर आप व्लॉगर हैं या आप अपने दोस्तों के साथ बहुत घूमने जाते हैं, ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, और आप सिर्फ अपने साथ एक कैमरा और एक लेंस, मीन्स एक बॉडी और एक लेंस और छोटी मोटी एसेसरीज कैरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए हामा लेके आया एक परफेक्ट सोल्यूशन। ये क्यूट से दो लिटिल बैग, एक है हमारा हामा का मोन्टेरी 130 और द सेकेंड वन इज़ पिट्सबर्ग 130। तो आज हम इन बैग के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और ये कैसे बनते हैं डिफरेंट और काफ़ी अच्छे बैग्स फ्रॉम अदर ब्रांड। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ हामा का पिट्सबर्ग 130। ये नायलॉन मटेरियल का बना हुआ है। पहले आपको अपर में एक काफ़ी कुशनिंग सॉफ्ट हैंडल मिल जाता है इसको कैरी करने के लिए, बहुत अच्छा ग्रिप है इसका। और बैक साइड पे आपको दो बेल्ट लूप मिल जाते हैं, आप बेल्ट में इसको हैंग कर पाएंगे। यहाँ से आपको मिलती है बैक की ओपनिंग। और सबसे पहले आपको खोलते ही मिलता है एक स्मॉल जिप, जिसमें आपको दो कंपार्टमेंट मिलते हैं। बेसिकली ये दो कंपार्टमेंट हैं, एक में आप अपना मेमोरी कार्ड रख सकते हैं, दूसरे में बैटरी रख सकते हैं। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं आपके, जो कैमरे के एसेसरीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक भी कहीं मिस हुई तो आपकी ट्रैवल और आप जो भी आप व्लॉग करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। बेल्ट मिलता है इसका एक, जिसको आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। और जो इसके जो एंड्स हैं, जो क्लिप्स हैं, ये आपको मेटल के मिलते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी वेट ये मतलब सह पाएंगे। ऐसा नहीं है प्लास्टिक का नहीं है जो जल्दी टूट जाता है। और काफ़ी अच्छी पैडिंग मिलती है आपको, आप ज़्यादा अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आप ज़्यादा वेट को भी लॉन्गर टाइम के लिए कैरी कर पाते हैं। तो दोस्तों, अंदर आपको इसमें एक बड़ा कंपार्टमेंट मिलता है और एक स्लीव यहाँ पर मिलता है। इसमें आप अपने पैसे वगैरह रख सकते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा मेन कैमरा आ जाता है अपने लेंस के साथ। और अगर आप लेंस के नीचे, अगर आपका लेंस छोटा है तो उसके नीचे एक्स्ट्रा कुशनिंग देने के लिए या उस गैप को फिल करने के लिए या आपको एक बहुत अच्छा कुशन मिलता है। इसको आप बिल्कुल नीचे लगा के अपने लेंस को और अपने बॉडी, अपने जो कैमरा है उसको एक सपोर्ट दे पाएंगे। जो नीचे का एरिया है वो वैकेंट नहीं रहेगा। तो अभी मेरे हाथ में है ओलंपस का, तो इस कैमरे को रखने के बाद भी इसमें काफ़ी जगह बचती है, देख रहे हैं आप। और ये हमारा कैमरा इसमें आ चुका है। और दोस्तों, साइड में आपको मिलता है इसमें दो मैश, काफ़ी डीप पॉकेट मिलती है जिसमें आप एक छोटी बॉटल रख सकते हैं अपनी। और यहाँ पर भी आपको एक मैश की पॉकेट मिलती है काफ़ी डीप, जिसमें आप कुछ भी अपना इम्पोर्टेंट सामान रख सकते हैं, चार्जर रख सकते हैं। और फ्रंट साइड पे आपको मिलता है एक बड़ा सा पॉकेट मिलता है, जिसमें दो मैश की छोटी छोटी पॉकेट्स मिलती हैं, जिसमें भी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कॉइन वगैरह रख सकते हैं अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें आपको मिलता है दो एडजस्टेबल ये लूप्स मिलते हैं। इसमें आप कोई भी स्मॉल साइज़ का ट्राइपॉड कैरी कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ट्राइपॉड मस्ट होता है किसी भी ब्लॉगिंग के लिए, तो आप इजीली कैरी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि जो इसका जो आपको बेस मिलता है ये स्प्लैश प्रूफ है और वाइपेबल है। अगर आपको कहीं भी गलती से आप किसी वेट एरिया में रख देते हो, आप इजीली इसको पहुंच सकते हैं और आपका जो भी वाटर है, मॉइस्चर है, वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों, अब ये बैग बन चुका है आपका रेन प्रूफ और काफ़ी क्यूट सा छोटा सा बैग है, बट लाइट वेट है और काफ़ी स्टडी भी है, आपके कैमरे को सेफ रखेगा और आप बड़े कॉन्फिडेंट वे में इसको कैरी कर पाएंगे अपने कैमरे को और अपने ट्रैवल को कंटिन्यू कर पाएंगे। और ये बैग आता है विद 5 ईयर वारंटी के साथ।
अगर मैं बात करूँ तो सोनी का A7 III विद किट लेंस रख सकते हैं, कोई भी प्राइम लेंस इसमें आ सकता है, लाइक 85 mm हो गया आपका, 50 mm हो गया आपका, 105 भी आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, आ जाएगा। तो कमेंट करके बताइए क्यूट सा लिटिल बैग आपको कैसा लगा हामा का। इट्स अ जर्मन बेस्ड कंपनी, तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी रहने वाली है बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ये रहा हमारा हामा का पिट्सबर्ग 130। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हामा का मॉन्टेरे 130 कैमरा बैग के बारे में। तो सब ऐसा दिखता है, एलिगेंट, बहुत अच्छा है, सोबर सा दिख रहा है ये बैग। और बैक साइड में आपको एक बेल्ट हुक मिल जाता है, कहीं भी आप उसको वो कर पाएंगे, बेल्ट में लगा के ट्रेवल कर पाएंगे। और बैक साइड में आपको काफ़ी लॉन्ग स्लीव मिलता है, तो आप इसमें कुछ भी अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, या फिर मनी रख सकते हैं, या कुछ भी इम्पोर्टेंट रख सकते हैं जो भी आप कैरी करना चाहें अपने ट्रैवल के लिए। और साइड में आपको दो बड़ी डीप मैश पॉकेट मिल रही हैं, जिसमें आप अपनी वाटर बॉटल को इजीली रख पाएंगे, या और भी नेसेसरी चीज़ें जो आप कैरी करना चाहें रख पाएंगे। और इसकी गाइस फ्रंट ओपनिंग, जो बैक की ओपनिंग है वो फ्रंट से है, और आपको सबसे पहले ऊपर मिल जाता है काफ़ी कुशनिंग सा ग्रैब हैंडल, जिस जो काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी स्टडी फील कराता है। और इसका कुछ दोस्तों इसका शोल्डर स्ट्रैप मिलता है जो कि एडजस्टेबल है और एर्गोनॉमिक पैडेट के साथ आता है, एर्गोनॉमिक साइज के साथ आता है, जो आपको देता है मैक्सिमम कंफर्ट। तो दोस्तों अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ब्लड रेड कलर के साथ आता है, और उसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है, आपके लेंस और बॉडी को ये बहुत सॉफ्ट होल्ड देता है, जिससे कि वो प्रिवेंट रहते हैं और बचाता है आपको अनवांटेड शॉक से। और इसमें आप अपना एक लेंस और एक बॉडी कैरी कर सकते हैं इजीली। अगर बात करें तो DSLR जैसे 750 हो गया नाइकॉन का, 850 हो गया, या कैनन का M3, वो कैनन का Mark III हो गया, या Mark IV हो गया, 5D Mark III Mark IV, वो भी आप इजीली रख पाएंगे विद द किट लेंस, जो भी 24-120 जो आता है, काफ़ी बड़ा लेंस होता है। तो उस साइज़ के लेंस और कैमरा भी आ सकते हैं, प्लस मिरर लेंस, तो उसमें कोई सा भी आ जाएगा। और अगर आप कैरी करना चाहते हैं लाइक D5 वगैरह भी, अगर बॉडी रखना चाहते हैं तो बॉडी भी आप इसमें इजीली रख सकते हैं। कुशनिंग इसकी बहुत अच्छी है, और एक आपको मैश पॉकेट यहाँ मिल जाती है, इसमें आप कुछ भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं। एंड इसका बेस भी आपको वाइपेबल मिलता है, जो कि आपको अनवांटेड स्प्लैश या मॉइस्चर से बचाता है, और आप इजीली इसको वाइप कर सकते हैं। फ्रंट पॉकेट आपको मिलती है इसके फ्रंट साइड पे, ऑफ कोर्स फ्रंट साइड पे होगी। और इसके अंदर आपको दो मिलते हैं मैश पॉकेट्स मिलती हैं, जिसमें आप मेमोरी कार्ड्स हो गए, अपनी बैटरी हो गई, वो रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना चार्जर भी रख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें आपको मिलता है रेन कवर, जो बचाता है आपको रेन से और डस्ट से। और इसमें मिलता है आपको रेन कवर भी मिलता है, जिससे आप इसकी हेल्प से रेन से और अनवांटेड डस्ट से भी अपने कैमरे बैग को बचा पाएंगे। ऐसे कुछ ये क्लिप्स मिलती हैं, और ये मेटल की है, ये प्लास्टिक की नहीं है, तो काफ़ी स्ट्रांग है, ये इजीली टूटने वाली नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे करके। और एक साइड आपका यहाँ पर आ जाएगा, और इसको आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं अपने कैमरे के साथ। तो दोस्तों कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरह के बैग्स मैं आगे भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। और अगर आप किसी
कि कोई क्वेरी आप परचेज़ करना चाहते हैं, या मैं अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बेझिझक होकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन हो इस बैग के लिए तो आप जान सकते हैं।